हमारे जो नौजवान विधायक हैं मनोज मंजिल जी, उनके साथ 23 अन्य साथियों को एक फर्जी हत्या के मुकदमा में आजीवन कारावास की सजा दी गई। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मनोज मंजिल को फांसी की सजा की सिफारिश करना, ये सरकार और भाजपा की एक साजिश। तो हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर समाजवाद से सरोकार है, न्याय से सरोकार है, तो हमारे मनोज मंजिल को आप बिना शर्त रिहा करें। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है। इस बीच माले के विधायक महबूब आलम हमारे साथ हैं। आज बुद्धा स्मृति पार्क के बाहर प्रदर्शन किया है, जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले मामला क्या है जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? मामला ये है कि कल ही हमारे जो नौजवान विधायक हैं मनोज मंजिल जी, उनके साथ 23 अन्य साथियों को एक फर्जी हत्या के मुकदमा में आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अब हम लोग उस हत्या का मुकदमा को फर्जी क्यों कहते हैं, ये आप जान लीजिए। ऐसा है कि जिस आदमी की मौत के इल्जाम में इनको सजा दी गई, तो उसकी हत्या 6 दिन पहले हुई है, और जिस डेड बॉडी का शिनाख्त किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, वो 9 दिन पहले की लाश है। और जो उसका बेटा ने एफआईआर किया, बेटा और बाप की उम्र का फासला 5 साल का है। आप समझ सकते हैं कि 5 साल में कोई बेटा पैदा नहीं हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र, काफ़ी विसंगतियां रहने के बावजूद भी, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मनोज मंजिल को फांसी की सजा की सिफारिश करना, ये सरकार और भाजपा की एक साजिश है। क्योंकि मनोज मंजिल, आप जानते हैं, भोजपुर की क्रांतिकारी जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, उनके विरासत के रूप में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। जो वहाँ हमारे महान नेता थे, कॉमरेड स्वर्गीय राम नरेश राम, उनके वारिस के रूप में जनता ने उन्हें प्रतिष्ठित किया, और शानदार तरीके से उन्होंने गरीबों, मजलूमों, दलितों, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। और इधर हाल के दिनों में विधानसभा में जो उनकी भूमिका रही, तो जनवाद के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान की हत्या के खिलाफ शानदार आवाज़ बुलंद उन्होंने की, जिससे आप अल्टीमेटली जो कल्मिनेट हुआ, आप देखते हैं कि सरकार का विश्वास मत के खिलाफ जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और जिस तरह से दमन के ताकत पर सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, इससे नाराज होकर के भाजपा की फांसीवादी ताकत के इशारे पर सरकार ने मनोज मंजिल और हमारे साथियों को आजीवन कारावास की सिफारिश की, और कोर्ट ने इसे कबूल कर लिया। हम मानते हैं कि ये गलत फैसला है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ दिलाने के लिए सरकार सशक्त है, सरकार की अपनी ताकत है। हाल के दिनों में आपने देखा, कुख्यात अपराधियों को सिर्फ बिहार व्यापी नहीं, देश व्यापी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापी कुख्यात अपराधियों को इन्होंने छोड़ा है। तो हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर समाजवाद से सरोकार है, न्याय से सरोकार है, तो हमारे मनोज मंजिल को आप बिना शर्त रिहा करें। और इसी मांग के साथ आज हम लोगों ने प्रदर्शन। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अगर जेडीयू के 5 सांसद जो मौजूद नहीं थे, उनको भी सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि जो नहीं आए हम उनको देख लेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, दबाव की राजनीति, तो दमन की राजनीति है, ये फांसीवादी ताकत की राजनीति है। फांसीवादी ताकत अपने शबाब में है, वो तो शुरू हो गया है। बीमा भारती का बयान देखिए आप, डॉक्टर संजीव का बयान देखिए, भागीरथी देवी का बयान देखिए, और लोगों का बयान देखिए, और जिस तरह से किया, बैरिकेड कर दिया। एक माननीय विधायक कहीं आ जा सकते हैं, उन पर रोक लगा दी गई, तो इससे ज़्यादा दमन क्या होगा। और दमन की ताकत पर उन्होंने ये विश्वास मत हासिल किया, सरेआम अपना जो स्थान है, स्थान को छोड़ करके, जिस चेतन आनंद ने, नीलम ने और प्रह्लाद यादव ने दूसरे खेमा में जाके बैठ गया, तत्काल उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए एंटी डिफेक्शन बिल के तहत। लेकिन सरकार अभी नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, ये फांसीवादी सांप्रदायिक भाजपा की सरकार है। आरएसएस के इशारे पर हमारे मनोज मंजिल पर कार्रवाई की गई, इससे उनका हौसला दबा नहीं सकता। हमारे हौसले बुलंद है, और निश्चित रूप से सरकार को उनको छोड़ना होगा, नहीं तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, और बिल्कुल निःशर्त, बिना शर्त, सम्मान के साथ मनोज मंजिल की रिहाई होगी। तो सुना आपने किस तरीके से महबूब आलम ने सीधे बता दिया कि जो डबल इंजन की सरकार आई है, कहीं ना कहीं लगातार लोगों को प्रताड़ित करिए, विधायकों को प्रताड़ित करिए, और मनोज मंजिल के साथ ये लोग सारे लोग हैं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये डबल इंजन की सरकार के विरोध आवाज उठाएंगे। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IBTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप,
भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।